रोहित हैं, युवा है, 19 वर्षीय, फाउंटेन हेड आयन रैंड इन्होंने पढ़ना शुरू करा है। उत्साह के साथ पूछ रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो फाउंटेन हेड जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पाते हैं, और दूसरी तरफ बहुत ऐसे भी लोग हैं जो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद विद्युतीकृत हो जाते हैं। आचार्य जी, मैं दूसरे लोगों की श्रेणी में आने के लिए क्या कर सकता हूँ? ढंग से पढ़ो। जो किताब तुम पढ़ रहे हो उसके पात्र कुछ ऐसे हैं कि अगर उनके साथ वाकई रिश्ता बना सको, उनके निकट जा सको, तो जिंदगी में विद्युत तो दौड़ ही जाएगी। किससे कहानी की तरह नहीं पढ़ो, तेरा दिल से पढ़ो। अठारह बीस साल का था मैं जब मैंने पढ़ी थी। तो कई दफे देखा कि पढ़ते पढ़ते अचानक उठकर बैठ जाता था या खड़ा हो जाता था। जो बात होती थी वो बिल्कुल अपनी होती थी। और अचंभा हो जाता था, झटका लग जाता था कि ये तो बिल्कुल मेरी बात है, ये इसको कैसे पता। जवान लोगों को हॉवर्ड रॉर्क से मिलना चाहिए, बहुत कुछ है उससे सीखने को। बचपना, नादानियाँ, निर्भरताएँ, दुर्बलता और आश्रयता की भावना, इन सब से एक झटके में मुक्त करा दे, ऐसा किरदार है वो। खास तौर पर ऐसे युवाजन जो शरीर से तो जवान हो गए हैं पर मन से अभी भी घर वालों पर या दुनिया समाज पर आश्रित हैं, वयस्क नहीं हो पाए हैं, 20, 25, 30 के होने पर भी अभी पुरुष नहीं हो पाए हैं, जिनके भीतर डर अभी भी हो, जो पारिवारिक या सामाजिक सत्ताधारियों की आवाजें सुनकर कांप जाते हो,
जो घर पर बाप के सामने और स्कूल में या कॉलेज में प्रिंसिपल के सामने थर्राते हों, जो कभी माँ के हाथ से और कभी प्रेमिका के हाथ से निवाला खाते हों, जो या तो कृशकाय हों, दुर्बल हों, या फिर जवान होकर भी गोलमटोल हों, ऐसे सब लोगों के लिए आवश्यक है फाउंटेन हेड। रॉर्क की खूबसूरती इसमें है कि वो बिल्कुल भी एक आम नौजवान जैसा नहीं है। उसकी ज़िंदगी में न माँ के हाथ का निवाला है, न प्रेमिका के हाथ का, न वो बाप से थर्राता है, न प्रिंसिपल से, न उसे डिग्री की चाहत है, न नौकरी की। पर प्यार है उसे, व्यक्तित्व उसका देखने में इतना रूखा कि अगर आप शायर किस्म के आदमी हैं तो कहेंगे कि ये तो बंजर रेगिस्तान है, यहां तो कोई गजल ही नहीं। पर रॉर्क का अपना एक गीत है, प्रेम गीत, और सबके लिए नहीं है। उनके लिए नहीं है जिनको घी लगी चुपड़ी रोटी पसंद है। कम बोलता है रॉर्क और अकेले रहता है। देखिए अगर आपको उसकी संगति मिल सके तो। और भी पात्र हैं, अभी कल रात को ही मैं आजकल के एक सुप्रसिद्ध धर्मगुरु के विषय में कह रहा था कि वो बिल्कुल एर्सवर्थ टू ही जैसे हैं। उतने ही शातिर, उतने ही चालाक, उतने ही सफल। जवान लोग हो तुम सब, डोमिनिक से नहीं मिलना चाहोगे? हाँ, वो तुम्हारी आम गर्लफ्रेंड जैसी नहीं है कि जिसको चॉकलेट और टेडी बियर दे करके पटा लो,
डोमिनिक एक चुनौती है। वो ऐसी नहीं कि रो पड़ी, तुमने आंसू पोंछ दिए, चुम्मी ले ली, बात सुलट गई। डोमिनिक ललकार है, हुँ?